दोस्तों आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके चैनल सोशल व्यू पे। आज हम आपको बताएंगे कि भारत के संसद भवन में उल्टे पंखे किसने और क्यों लगवाए थे। आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। क्या आप जानते हैं भारत के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जहां माननीय सांसद बैठते हैं वहां सीलिंग फैन उल्टे लगे हुए हैं। वह छत से नीचे की तरफ नहीं लटके हुए हैं बल्कि जमीन पर गड़े एक खंभे के टाप पर लगे हैं। बड़ा सवाल ये है कि वो किसने और क्यों लगवाया था। भारत के सांसद भवन में कुल निर्माण का खर्चा 83 लाख रुपए आए थे, जो कि आज के समय में बहुत कम लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन उस समय में बहुत था। भारत का संसद भवन 1921 में बनना शुरू हुआ था और वो 1927 में बनकर खत्म हुआ था। संसद भवन का शिलान्यास ड्यूक ऑफ कर्नाट ने किया था। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। उल्टे पंखे लगाने का आदेश किसने दिया था? यह संसद भवन विश्व के किसी भी देश का उपस्थित वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका डिजाइन उस समय के मशहूर वास्तुविद लुटियंस ने किया था और इसका निर्माण सर हॉबर्ट बेकर के निरीक्षण में संपन्न हुआ था। गोलाईदार गलियारों के कारण शुरू में सर्कुलर भवन भी इसे कहा जाता था। लोग कहते थे कि संसद भवन की छत बहुत ऊंची है, इसलिए पंखे नीचे से लगाए गए। लेकिन क्या आप तर्क को मानते हैं? अंग्रेजी शासनकाल के वह इंजीनियर जिन्होंने इतना शानदार भवन बनवाया, जिन्होंने पहाड़ काटकर रेल चला दी, क्या उनके लिए छत से पंखा लटकाना मुश्किल था? बताया जाता है कि वास्तुविद लुटियंस ने इस तरह का पंखे लगाने के आदेश दिया था। अंग्रेजों ने हिंदू मंदिर की तर्ज पर संसद भवन का निर्माण किया था। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ने लुटियंस और सर हॉबर्ट बेकर से कहा था कि भारत का एक नया प्रशासनिक राजधानी ऐसा होना चाहिए जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। ऐसा कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी के 64 योगिनी मंदिर की गोलाकार संरचना ने भी भवन के डिजाइन को प्रेरित किया था। क्या कभी पंखे को सीधा करने का कोशिश नहीं किया गया? 1947 से लेकर आज तक यह सवाल कई बार उपस्थित हुआ। कई सांसदों ने मांग की, एक बार तो प्रोजेक्ट ही बनकर तैयार हो गया। इससे पहले कई बार स्टडी किया गया लेकिन हर बार फैसला टाल दिया गया। इसके पीछे तर्क सिर्फ इतना दिया जाता था कि इस तरह के पंखे संसद सेंट्रल हॉल को ऐतिहासिक बनाते हैं, इसलिए इन्हें बदलना उचित नहीं होगा। परंतु क्या आप 1947 से अब तक तमाम सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया इस तर्क से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हमें कमेंट करिए दोस्तों, और अगर आपका असहमत स्वागत करते हैं हैं तो भी एक बार दोस्तों फिर फिर चैनल को आपके कमेंट चैनल करिए। सोशल दोस्तों, हमको उम्मीद आज हम है आपको कि बताएंगे भारत के कि संसद आपको एक भवन जानकारी में वीडियो उल्टे पसंद आया पंखे हो किसने दोस्तों, और क्यों अपना लाइक लगवाए थे। कमेंट में दें, आइए वीडियो को जानते लाइक हैं इस करें, रहस्य के चैनल बारे को में। सब्सक्राइब करें। क्या आप दोस्तों जानते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भारत की संसद भवन के सेंट्रल दोस्तों। हॉल